आपके पास IQ Z9S, 5G Z9S Pro या कोई और फ़ोन है तो यहाँ पे आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इसके लिए आप डायलर पे जाएंगे। अगर आपके पास वीवो डायलर है या IQ डायलर है तो ग्रीन डायलर आपको दिख जाएगा, अदरवाइज सेट कर लेंगे, आपके फ़ोन में ही सेट करने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आप जाएंगे लोगो पे, फिर थ्री डॉट पे जाना है, कॉल सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, क्लिक कर लेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी कॉल्स रिकॉर्ड होंगी जो आपके फ़ोन में है, नहीं है, सेव है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी कॉल रिकॉर्ड्स होंगी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कस्टम का, कस्टम पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे खुद से आप नेम ऐड ऑन कर सकते हैं, प्लस पे जाके अलाउ कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में से भी ले सकते हैं, जैसे कि ये पर्सन है, आप चाहते हैं कि ये पर्सन कभी भी कॉल करे तो इसकी कॉल रिकॉर्ड हो, तो आपने सेलेक्ट कर लिया, ऐड पे क्लिक कर लिया तो ये पर्सन ऐड ऑन हो चुका है। इसी तरह से एक आधा और कर लेंगे, ठीक है। और ऐड मैनुअली पे जाके आपको अगर नंबर याद है, नंबर डाल दिया, नाम डाल दिया, ऐड पे क्लिक किया तो ये पर्सन भी ऐड ऑन हो गया। तो इस तरह से आप दो तीन नंबर्स को भी ऐड ऑन कर सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन मेरे को यहाँ पे ये नहीं करना है, मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर लेती हूँ, डिलीट कर दिया, मैं ऑल कॉल कर लेती हूँ, इसके बाद बैक कर लूँगी। तो आप कोई भी नंबर आप डायल करेंगे तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि देख सकते हैं कनेक्ट होने के साथ ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और यहाँ से रिकॉर्डिंग को आप मैनुअली बंद कर सकते हैं, मैनुअली ऑन कर सकते हैं, कट कर लेंगे कॉल को। अब यहाँ पे आप ना कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के लिए अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेंगे, यहाँ पे ऑडियो पे जाएंगे तो देख सकते हैं ये रही कॉल रिकॉर्डिंग। तो इस टाइप से आप दोनों तरफ की कॉल रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं सक्सेसफुली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।